Fruity berries! बहुत फ्लफी है, क्रीमी है। चले आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये चाहिए जो आपको सबसे पहले चाहिए वो आप किसी बर्तन में दूध ले लें और इसे आप गर्म करने के लिए पहले रख दें। जितना गाढ़ा दूध होगा उतना होगा। मैंने ये 3 से 4 कप लिए हैं। आप जितनी क्वांटिटी के लिए लेंगे उतना सही होगा। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिए प्लीज मेरे और सब्सक्राइब भी कर दे। ये कोको पाउडर जिसे हम डेकोरेटिंग करेंगे, ये इंस्टेंट कॉफ़ी जो हमें सबसे मेन चीज़ है हमारी, और आपने ये इंस्टेंट कॉफ़ी लेनी है वो 3-in-1 ही लेनी, वो ख़राब हो जाएगी, वो फ्लफी नहीं बनेगी। ये हमने शुगर ले लिया और ये वाटर, हम इसे वाटर को, कॉफ़ी को और शुगर को मिला के हम कॉफ़ी बनाएंगे। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है, मैं उससे कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी कॉफी हम इसमें डाल दी है, अच्छी तरह हम इसके अंदर से निकाल देते हैं। अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे। अगर आप मुनासिब शुगर पीना चाहते हैं तो आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। मैं 3 डाली हूँ क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे हैं ना। अब हम वाटर लेंगे। वाटर भी हमने उतना ही डालना है जितनी आपने जिस हिसाब से कॉफी डाली होगी। चलिए हम इसे बीट करते हैं। आपने इसको तब तक ब्लेंड करना है जब तक इसके कलर चेंज हो जाए, मतलब ब्राउन सा और लाइट सा, और आपने इसको 5 to 10 मिनट्स तक करना है। तो देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया। ये देखिए अब हमने बीट कर लिए कॉफ़ी और ये देखिए काफ़ी फ्लफी हो गई। जब हमने इसको किया था, अभी बीट नहीं की थी, तो ये कितनी डार्क ब्राउन थी और अब देखें कितना लाइट कलर हो गया, बिल्कुल लाइट वेट है। तो हमने जिस इस बर्तन के अंदर हमने किया था कॉफ़ी को बीट, अब हम उसी के अंदर जो हमने मिल्क किया था ना गरम, वो इसी के अंदर करेंगे। उससे फ्लफी होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। जिसमें हमने कॉफ़ी को बीट किया था उसी में हम गरम दूध को करेंगे ताकि, और आपने करने हैं इसको 2 से 3 मिनट ताकि इसमें झाग आ जाए और ये फ्लफी ज़्यादा हो जाएगी। फिर अब मैं दूध डालने लगी हूँ। अब हम इसके ऊपर कॉफी डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं बहुत ही फ्लफी हो गई है।
आप अपनी जितना आप चाहते हैं आप उतना डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हमने इसके ऊपर डाल दी, तो मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा करना है मिक्स ताकि इससे ही हो जाए। मैंने ये शेप्स कट की हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। अब डेकोरेट करेंगे हम। अब हमारी कॉफी होगी रेडी, अब अपनी कॉफी का एंजॉय करें। ये बहुत मजे की लग रही है गाइस, आप जरूर टेस्ट कीजिएगा, बनाइएगा। कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी छोटी सी रेसिपी कमेंट में जरूर बताएगा। आई लव यू ऑल। और मैं तो ये दोनों कप्स पी लूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत ही मिलती है। ये बहुत ही पुखी है, तो इतना पुखी है। बाय प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।